नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। डिजिटल होती इस दुनिया में जहां हमें कई फायदे पहुंचाए हैं, वहीं इससे हमें कई नुकसान भी हुए हैं। आज हर घर और हाथ में मोबाइल से जहां लाइफ इजी हो गई है, वहीं इसके ज़्यादा इस्तेमाल ने लोगों के चश्मों के नंबर बढ़ा दिए हैं। जहां पहले हमारी आईसाइट कम होने की वजह सिर्फ बढ़ती उम्र होती थी, वहीं आज छोटी छोटी उम्र में ही बच्चों की आँखों के नंबर बढ़े जा रहे हैं और आज हर दो में से एक बच्चा साफ विजन के लिए चश्मे का इस्तेमाल कर रहा है और ये आंकड़ा तेजी से बढ़ता भी जा रहा है। ऐसे में हर माँ बाप का डर है कि जिस हिसाब से आज बच्चे मोबाइल और टीवी देख रहे हैं, कहीं जल्दी ही उनके बच्चे को भी चश्मा ना लग जाए। ऐसे में आज हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि आखिर आईसाइट वीक होने की वजहें क्या होती हैं और बच्चों को चश्मा लगने से कैसे बचाएं, और अगर चश्मा लग भी गया है तो चश्मा हटाने के लिए किस तरह के ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं I7 हॉस्पिटल के MD डॉक्टर राहिल चौधरी, कैटरेक्ट एंड रिफ्रेक्टिव सर्जन भी हैं ये साथ में और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं कि इन्होंने एक दिन में 250 से ज़्यादा सर्जरी की है। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू गुंजन फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस शो। डॉक्टर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आज जो बच्चों के हम देख रहे हैं कि हर दो में से एक बच्चा, एक आंकड़ा है एक रिपोर्ट के मुताबिक हर दो में से एक बच्चा आज चश्मा यूज कर रहा है साफ विजन के लिए, तो इसका इसकी वजह क्या सिर्फ और सिर्फ मोबाइल और फोन और टीवी है? देखिए, आपने बिल्कुल सही बताया है कि आंखों में जो चश्मा आ रहा है अब ये एक तरह से ग्लोबल पेंडेमिक बनते जा रहा है जी। और यूजुअली हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि यंग उम्र में, जब बच्चों की उम्र 18 साल से कम होती है और अगर ज़्यादा समय तक वो मोबाइल कंप्यूटर का काम करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों की आंखों में माइनस का नंबर चढ़ रहा है जी। स्पेशली हम लोग ऐसे भी एट्रीब्यूट करते हैं कि अगर बच्चे ज़्यादा इनडोर्स रहते हैं, बाहर एक्टिविटीज़ नहीं करते, ज़्यादा मोबाइल कंप्यूटर पर लगे रहते हैं, बाहर खेल कूद नहीं करते, सन का एक्सपोजर कम है लोगों का, साथ ही साथ बैड स्लीपिंग हैबिट्स, रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना, इन सब वजह से आंखों में चश्मे का नंबर चढ़ रहा है। तो आंखों में चश्मे के नंबर चढ़ने के ऑफकोर्स और भी कारण होते हैं। जेनेटिक्स भी एक रीज़न है कि अगर हमारे पेरेंट्स की आंखों में चश्मे का नंबर है तो बच्चों की आंखों में आ सकता है, लेकिन वो एक नेचुरल कॉज है जी। आजकल की डेट में जो ज़्यादा मोबाइल कंप्यूटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उससे पेशेंट्स की आंख में चश्मे का नंबर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की कमी भी इसकी एक बड़ी वजह मानी जा सकती है, जिस तरह से आज हमारा लाइफस्टाइल होता जा रहा है, जिस तरह का फूड हम खा रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं, स्पेशली जंक फूड खा रहे हैं, तो ये भी एक वजह हो सकती है। देखिए, जंक फूड वैसे ही बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होता, तो कोई भी चीज़ जो बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है वो ओवरऑल आपकी बॉडी को नुकसान करती है। लेकिन जो चश्मा चढ़ रहा है आजकल, माइनस का नंबर स्पेशली जो चढ़ रहा है, उसमें हम लोग मोबाइल फोन और कंप्यूटर्स का बहुत बड़ा रोल मानते हैं जी। डॉक्टर राहिल, हम ये एक डिस्कशन भी कर रहे थे पहले क्लास में, 40 बच्चों की क्लास में एक बच्चे को वो लगता था चश्मा, तो बहुत एक ऑकवर्ड फीलिंग होती थी बच्चे में, पर आज क्लास में 8-10 बच्चों को लगा हुआ है, नॉर्मल सी बात हो गई है। तो जो जिस तरह से नेक्स्ट जनरेशन हमारी, मतलब उनकी आईसाइट कमजोर होती जा रही है, तो मुझे लग रहा है आगे आने वाले समय में हम सभी को ही चश्मा लग जाएगा। वेल, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज करा है। इनफैक्ट इंडिया में एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी जहाँ पे अमेरिकन एंड यूरोपियन डॉक्टर्स आए थे और वो बड़े बड़े स्कूल्स, जो नामी स्कूल्स हैं, वहाँ पे गए थे और वहाँ पे उन्होंने ये पता करा कि हर एक बच्चा जो चश्मा पहन रहा है उसके साथ एक ऐसा बच्चा है जिसकी आंख में चश्मे का नंबर है और उसको पता भी नहीं है कि उसको चश्मे का नंबर लगा हुआ है। तो इतना बड़ा मैग्नीट्यूड है इस प्रॉब्लम का। एंड स्पेशली यंग बच्चे जब स्कूल एज में होते हैं, वहाँ पे हमने आई टेस्टिंग की फैसिलिटी या एनुअल आई चेकअप्स बच्चों के होने चाहिए, क्योंकि अगर चश्मे का नंबर है और आप चश्मा नहीं पहन रहे तो भी आपका चश्मे का नंबर जल्दी जल्दी बढ़ता जाता है जी। डॉक्टर, बहुत बड़ा सवाल है कि बच्चों को हम, जैसे बच्चों की आंखें कमजोर होती जा रही है, तो कैसे बचाएं? वेल, ऑफकोर्स जैसे हम लोग ये देख रहे हैं कि चश्मा बढ़ रहा है, तो साथ ही साथ रिसर्च साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स भी इन सब में लगे हुए हैं कि कैसे हम चश्मे का नंबर बढ़ने से रोक सकते हैं, या अगर चश्मा आ गया है तो क्या किसी तरीके से उसको हटा सकते हैं जी, जी। क्या ऐसा हो सकता है कि हमें चश्मा ना पहनना पड़े? तो वेल, देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि आजकल चश्मे का नंबर ना बढ़े इसके लिए नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। तो कुछ तरह की ड्रॉप्स होती हैं, जैसे हम लोग एक ड्रॉप है एट्रोपिन 0.01%, उस ड्रॉप का रोल होता है कि वो चश्मे के नंबर को 50% बढ़ने से रोक सकती है। तो अगर किसी के चश्मे का नंबर 5 पहुंचना था तो उस ड्रॉप के इस्तेमाल से उसको 2-2.5 पे रोका जा सकता है।
ऐसे ही कुछ नए तरह के कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं, कुछ स्पेशल विजन थेरेपीज होती हैं जिससे हम चश्मे का नंबर बढ़ने से रोक सकते हैं। लेकिन अगर चश्मे का नंबर आ गया है और आप उसको नहीं पहनना चाहते तो भी आजकल बहुत सारा तरह की टेक्नोलॉजीज हैं जिससे हम चश्मा हटा सकते हैं। इसमें भी दो तरह की टेक्नोलॉजीज पॉपुलर हैं। एक लेजर वाली टेक्नोलॉजी है जहां पे लेजर का इस्तेमाल करा जाता है चश्मा हटाने के लिए जी। और एक लेंस वाली टेक्नोलॉजी होती है जहां पे आंख में लेंस डाल के चश्मे को। मेरा अगला सवाल भी यही था कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को चश्मा नहीं लगवाना चाहते हैं तो वो क्या छोटी उम्र में ही बच्चों को लेंसेज का इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकते हैं? वेल, अगर चश्मे का नंबर है और आप चश्मा नहीं पहनना चाहते और आपकी उम्र 18 साल से कम है तो एक कॉन्टैक्ट लेंस का ऑप्शन होता है। कॉन्टैक्ट लेंस मतलब पतले से लेंसेज होते हैं, उनको आप आंख पे सुबह लगा सकते हैं और रात को सोने से पहले हटा लिया तो आपको उस टाइम पे चश्मा नहीं पहनना होता। लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस के अपने बहुत नुकसान है, आंखों में एलर्जी होना, इन्फेक्शन होना, इरिटेशन होना, प्लस छोटे बच्चे यूजुअली कॉन्टैक्ट लेंस को मेंटेन नहीं कर पाते, उनकी हाइजीन प्रॉपर ध्यान रखना होता है। तो हम लोग ये सलाह देते हैं कि रूटीन में कॉन्टैक्ट लेंस पहनना अच्छी बात नहीं है, वीकेंड्स हो गया, कोई फंक्शन हो गया तब आप थोड़ा सा पहन सकते हैं अपने कम्फर्ट के लिए। ओके, बट अगर किसी की उम्र 18 से ऊपर हो गई है तो उनके पास आजकल बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं कि चश्मा हटवा सकते हैं। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि लेजर वाले ऑप्शंस हैं, लेजर में भी तीन तरह की टेक्नोलॉजीज हैं जो आजकल पॉपुलर है जिनका नाम है लेसिक लेजर, स्माइल एंड कंट्यूरा विजन। इसमें कंट्यूरा विजन वाली जो टेक्नोलॉजी है वो आज के टाइम पे सबसे पॉपुलर है और सबसे ज्यादा हम लोग एडवांस मानते हैं और उसी से हम लोग यूजली लोगों का चश्मा हटाते हैं। और एक और टेक्नोलॉजी होती है जिसमें आंख में लेंस डाल के भी चश्मा हटाया जा सकता है, उस टेक्नोलॉजी को हम लोग कहते हैं ICL। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आज की डेट में हम आधे नंबर से लेके 30-30 तक का चश्मा हटा सकते हैं। तो इसमें यूजुअली आधे नंबर से 8 नंबर तक का चश्मा लेजर से हट सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कंट्यूरा विजन जो आजकल लेटेस्ट है, और 8 नंबर से लेके 30 नंबर तक का चश्मा हम लोग एक ICL नाम की टेक्नोलॉजी जिसमें आंख में लेंस डाला जाता है उससे हम लोग तो इस सर्जरी जो आप टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं इसके बारे में थोड़ा खुल के फिर विस्तार से बताइए। राइट, तो देखिए अगर आपका सपोज आपका चश्मा हटाने का मन है और आप लेजर टेक्नोलॉजी के लिए जाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि हर इंसान वो ऑपरेशन करा सकता है, उसके लिए काफी सारी चीजों को चेक करना होता है। कुछ बेसिक क्राइटेरिया होते हैं कि आपकी उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए, जो आंख में चश्मे का नंबर है वो स्टेबल होना चाहिए, पिछले 6 महीने में वो चेंज नहीं होना चाहिए, लेडीज जो हैं वो प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग पे नहीं होनी चाहिए, और आप कुछ इस तरह की दवाइयों का सेवन ना कर रहे हो जिससे बॉडी की इम्यूनिटी खराब होती है, जैसे स्टेरॉइड्स या इम्यूनोसप्रेसेंस। एक बारी आप ये क्राइटेरियाज फुलफिल कर लेते हैं फिर आपके 10-15 तरह के टेस्ट होते हैं जिन टेस्ट को देखकर हम बताते हैं कि आपका चश्मा हट भी सकता है कि नहीं हट सकता। तो अगर 100 लोग चश्मा हटवाने आते हैं तो 100 में से सिर्फ 70 लोगों का चश्मा हट सकता है, 30 लोगों को अनफॉर्चुनेटली चश्मा पहनना पड़ेगा। तो किस उम्र में ये सर्जरी करवाई जा सकती है ये बताएं। वेल, यूजुअली हम लोग 18 के ऊपर करते हैं सर्जरी, लेकिन वो एक क्राइटेरिया है, 18 के ऊपर के साथ साथ बाकी क्राइटेरिया आपके फुलफिल होने जरूरी है। ओके, डॉक्टर ये भी बताइए क्या इस ट्रीटमेंट के बाद हम मतलब पावर तक का चश्मा हट सकता है? हाँ, तो आधे नंबर से लेके 30 नंबर तक का, -30 तक हम हटा सकते हैं, जिसमें 8 नंबर तक का चश्मा लेजर से हटा सकते हैं और 8 से ऊपर जो चश्मा होता है वो एक लेंस वाली टेक्नोलॉजी होती है ICL, उससे हटाया जाता है। तो क्या इस ट्रीटमेंट के बाद बिल्कुल भी चश्मे या लेंसेज की जरूरत नहीं पड़ती या कुछ समय बाद क्या नंबर वापस आ सकता है? वेल, ये टेक्नोलॉजीज आजकल बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है और आजकल हम लोग पेशेंट्स को बुलजाई करेक्शन बिल्कुल परफेक्टली नंबर जीरो कर सकते हैं, और एक बारी नंबर जीरो हो गया फिर वो पूरी लाइफ के लिए 100 साल के लिए आपको चश्मा पहनने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें ये समझना है कि उम्र के साथ बॉडी में चेंजेस आते हैं जी जी। जैसे उम्र के साथ हमारे बाल सफेद हो जाते हैं वैसे उम्र के साथ हर इंसान की आंख में रीडिंग का या पढ़ने का चश्मा आना है, और यूजुअली ये चश्मा 45-50 साल की उम्र में आता है। तो डॉक्टर जिस स्पीड से हम लोग मोबाइल और टीवी की स्क्रीन देख रहे हैं तो हम किस एज तक अपने आप को एक चश्मे वाली लुक में देख पाएंगे?
नहीं तो यूजुअली हम ये कहते हैं कि 45-50 के बाद तो सबको चश्मा पहनना है जी जी, उससे पहले आप अपने दूर का चश्मा हटवा सकते हैं। लेकिन आजकल नई टेक्नोलॉजीज भी आ रही हैं जो रीडिंग का चश्मा भी हटा सकती हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजीज अभी बस स्टार्ट हुई हैं, एक इन्फेंसी की स्टेज में है, उनमें बहुत रिसर्च चल रही है। सो मेनली दूर का हटाने के लिए तो हम बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं आज की डेट में, नियर के लिए रिसर्च अभी चल रही है। ओके, तो डॉक्टर ये बताइए कि लेजर ट्रीटमेंट के बाद अगर इंसान को कोई और डायबिटिक रेटिनोपैथी या कैटरेक्ट जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, अकर होती हैं 40 या 45 के बाद, तब उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है? राइट, तो अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि हमने लेज़र करा लिया ऑपरेशन, या मान लीजिए आंख में लेंस वाला ऑपरेशन कराया है, और उसके बाद आगे चल के आंख में कोई और बीमारी हो जाती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गया, कैटरेक्ट हो गया, ग्लूकोमा हो गया, 100 तरह की बीमारी आंख की, तो वो सारे इलाज आप इन प्रोसीजर्स के साथ करा सकते हैं। Okay. तो ये सारे प्रोसीजर्स आपको फ्यूचर की कोई भी प्रॉब्लम हो उसकी ट्रीटमेंट के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं करते। ओके, और जिस पेशेंट को अभी हाल ही में कैटरेक्ट की प्रॉब्लम या रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम हो तो उनका ये ट्रीटमेंट हो सकता है? वेल चश्मा तो हम 18 साल से ऊपर तक किसी भी उम्र तक हटा सकते हैं। तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक 75 साल की लेडी थी, उनका मन था चश्मा हटाने का, उनका भी हटा दिया। लेकिन यूजुअली हम लोग ये चाहते हैं कि जब हम आपके चश्मा हटाने का ऑपरेशन कर रहे हो तो आंख में चश्मे के नंबर के अलावा और कोई प्रॉब्लम ना हो। वही मैं जानना चाहती हूँ कि जिसको ऑलरेडी कैटरेक्ट की प्रॉब्लम हो या रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम हो, क्या वो पेशेंट ये ट्रीटमेंट ले सकता है लेजर? वेल आजकल देखिए जो कैटरेक्ट के ऑपरेशन भी करते हैं हम, वो इस तरह से करते हैं कि ऑपरेशन के साथ साथ हम आपके चश्मे का नंबर भी हटा देते हैं। ओके, एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी और चश्मा हटाने के ऑपरेशन दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो यूजुअली हम ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी डायबिटीज से जुड़ी हुई है, तो अगर वो मेंटेन नहीं रहेगी तो ये प्रॉब्लम दोबारे से अकर हो सकती है। तो बॉडी में अगर शुगर की फ्लक्चुएशन होती है तो आंख में चश्मे का नंबर ऊपर नीचे हो सकता है जी। तो ऐसे सिचुएशंस में जहां पे आंख में अगर कोई और प्रॉब्लम है तो हम लोग अवॉइड करते हैं कि चश्मा हटाने का ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। okay. तो वो केस टू केस डिपेंड करता है, तो वो डॉक्टर से मिलके वो आपको सजेस्ट करेगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है। अब बहुत अहम सवाल की बारी है कि इसका ट्रीटमेंट में खर्चा कितना आता है और ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट कितनी जल्दी रिकवर हो जाता है? वेल देखिए ये बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ये सारे ऑपरेशंस जो होते हैं चश्मा हटाने के, ये कॉस्मेटिक की कैटेगरी में आते हैं जी। बिल्कुल, मतलब ये इस तरह के ऑपरेशन है जिनको करना जरूरी नहीं है। यूजुअली एक इंसान कराता है अच्छा दिखने के अच्छा लिए दिखने या कन्वीनियंस के लिए कराता है। तो ये सारे ऑपरेशंस आजकल हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट की अगर बात करें तो एम्स के अलावा ज़्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है, और प्राइवेट में थोड़ा सा एक्सपेंस ज़्यादा होता है। तो अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में कराने की सोच रहे हैं तो एक बढ़िया वाला ऑपरेशन, जैसे मैंने आपको बताया कॉन्ट्यूरा विजन जो आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसका खर्चा मोटा मोटा 1 लाख रुपये आता है दोनों आंखों का। लेकिन वहीं अगर आप एम्स में कराते हैं तो ये कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है, 20-25 हज़ार में ऑपरेशन हो जाता है। okay. लेकिन वहीं एम्स में फिर आपको 3-4 महीने का वेटिंग होता है, प्राइवेट में थोड़ा सा जल्दी करा सकते हैं जी. अच्छा, फिर लोग ऐसे पूछते हैं कि आजकल बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जैसे आयुष्मान भारत हो गया, ये CGHS वगैरह गवर्नमेंट पैनल्स होते हैं, इंश्योरेंस वगैरह होती है, तो क्या इन सब चीज़ों से ऑपरेशन हो सकता है? वेल देखिए क्योंकि ये कॉस्मेटिक हैं तो आयुष्मान भारत या ये जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं इनको कवर नहीं करती। आजकल कुछ पैनल्स हैं, जैसे हरियाणा पैनल है, वो आपको कुछ हद तक सपोर्ट कर देता है लेसिक सर्जरी में, या इंश्योरेंस में भी आप ऐसा होता है कि सपोज आपके नंबर हाई है, 5-6 से ऊपर है, तो इंश्योरेंस आपको कुछ हद तक कवर दे देता है। okay. लेकिन अगर नंबर कम है तो इंश्योरेंस भी आपकी ज्यादा हेल्प नहीं करती जी। तो यूजुअली इन सब ऑपरेशंस के लिए खर्चा आपको अपनी पॉकेट से ही करना पड़ता है। ओके डॉक्टर, जिस मैं जब ये पढ़ रही थी इसके बारे में, तो इसमें दो तरह की सर्जरी होती है, ब्लेडलेस और ब्लेड, तो ये क्या होती है, इनके बारे में थोड़ा बताइए। जब ये चश्मा हटाने के ऑपरेशन शुरू हुए थे तो स्टार्टिंग में ये ऑपरेशंस काफी क्रूड थे, इसमें हमें एक ब्लेड का इस्तेमाल करना होता था, ब्लेड से कटिंग होती थी, तो वो सारे ऑपरेशंस अब खत्म हो गए हैं। उन सब ऑपरेशन में रिस्क ज्यादा होता था, क्वालिटी थोड़ी सी कम आती थी। आजकल जो हम ऑपरेशन करते हैं वो ब्लेड लेस होते हैं, किसी भी तरह का ब्लेड यूज नहीं होता। इनफैक्ट आजकल के ऑपरेशन इतने एडवांस हो गए हैं कि इन ऑपरेशन में कोई दर्द नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई टांका नहीं है, कोई ब्लेड नहीं है, कोई कट नहीं है, कोई पट्टी नहीं है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन। तो रिकवर कितनी जल्दी हो जाता है? हाँ, तो बहुत सिंपल सा ऑपरेशन होता है, 10 मिनट का ऑपरेशन है, आप एक बेड पे लेटे हुए हैं, ऊपर लेजर मशीन है, 10 सेकंड का लेजर आएगा, आपका चश्मा हट जाएगा, अगले दिन से आपकी नज़र बिल्कुल परफेक्ट हो गई,
एक हफ्ता थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि थोड़ा धूल मिट्टी से बच के रहना है, आंखों में पानी ना जाए, मोबाइल कंप्यूटर थोड़ा सा कम रखना है, और एक हफ्ते बाद आप जो मन में आए कर सकते हैं, बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह। पर एक बहुत जरूरी है अहम कि जब भी आप इस तरह का ट्रीटमेंट ले, भरोसेमंद डॉक्टर को या ब्रांड को चुने, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? वेल, देखिए, आजकल ये सब टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रीटमेंट्स हैं। इन सब सर्जरीज में या प्रोसीजर्स में टेक्नोलॉजी का रोल ज़्यादा रहता है, डॉक्टर का रोल कम रहता है। बट ऑफ कोर्स एंड ऑफ द डे डॉक्टर ही है जो सारी मशीन्स को चला रहा है, तो आपको थोड़ा रिसर्च करके जाना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, कौन से डॉक्टर कर रहे हैं, कितना एक्सपीरियंस है। ये सब थोड़ा सा ऑनलाइन आजकल सब अवेलेबल है, तो प्रॉपर रिसर्च करके जाएंगे तो ये सर्जरीज बहुत स्मूथ होती है। डॉक्टर, मैं जानना चाहती हूँ कि सर्जरी को करवाते हो, सर्जरी का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में एक दहशत सी आ जाती है, तो क्या इसके कोई सर्जरी के साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते? ये सर्जरी बहुत स्मूथ होती हैं, रिकवरी बहुत फास्ट होती है, लेकिन ऑफ कोर्स एंड ऑफ द डे है तो एक सर्जरी ही, और हर सर्जरी के कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसमें हम लोग ऐसा देखते हैं कि सर्जरी के इमीडिएटली बाद एक आध दिन तक थोड़ा सा आंख में रड़क रह सकती है, थोड़ा सा चौंध लग सकती है, थोड़ा आंखों में लाली बन सकती है, पानी निकल सकता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स एक दो दिन में ठीक हो जाती हैं। कोई प्रॉब्लम जो थोड़ा सा साइड इफेक्ट लंबे समय तक चलता है, उसको हम लोग कहते हैं ड्राई आईज। तो इन सारे प्रोसीजर्स के बाद आंखों में थोड़ा सा ड्राइनेस या सूखापन बनता है, जिसको ठीक होने में करीब 2 से 3 महीने लगते हैं। तो ऐसे में हम लोग सजेस्ट करते हैं 2 से 3 महीने आप दिन में 4 बार ड्रॉप्स को यूज़ करिए और आपको ड्राइनेस फील नहीं होती, 3 महीने बाद ड्राइनेस आपकी ठीक हो जाती है और आप बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान जैसे हो जाते हैं। तो ओवरऑल इन सब सर्जरीज के कोई ऐसा मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। ओके डॉक्टर, चलते चलते मैं एक बहुत क्विक सा रिएक्शन लेना चाहूंगी आपसे कि हमारे दर्शकों को आप बताइए कि वो अपनी आंखों की देखभाल कैसे करें और इस चश्मे से, बेसिकली सर्जरी से पहले चश्मे से ही कैसे बचें। वेल, चश्मे से बचना ज्यादा तो हमारे हाथ में नहीं है, जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आपकी पेरेंट्स की आंख में चश्मा है तो बहुत हाई चांस है आपकी आंख में आ सकता है। लेकिन जैसे हमने डिस्कस करा कि नियर वर्क को थोड़ा सा अवॉइड करिए, स्पेशली जब आप बढ़ती उम्र में हैं, थोड़ा सा बाहर निकलिए, आउटडोर एक्टिविटीज़ करिए, सनलाइट एक्सपोजर होना चाहिए, स्लीपिंग हैबिट्स को ठीक करिए, एंड चश्मा चढ़ जाता है तो चश्मे का करेक्ट नंबर पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सही चश्मे का नंबर नहीं पहनेंगे तो नंबर भी जल्दी जल्दी बढ़ेगा, साथ ही साथ आपके आपको हेड एक्स, आई एक्स, ये प्रॉब्लम्स भी आनी शुरू हो जाएंगी। ओवरऑल आंखों की हेल्थ मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। जैसे हम लोग बॉडी की हेल्थ मेंटेन करते हैं, अच्छा खाना खाइए, एक्सरसाइज करिए, बैड हैबिट्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन सब से दूर रहिए, तो अगर हेल्दी बॉडी रहेगी तो आंखें भी आपकी हेल्दी रहेंगी। जी बिल्कुल डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज मोबाइल और टीवी स्क्रीन ज़्यादा समय तक देखने की वजह से लोगों की आईसाइट तेज़ी से वीक होती जा रही है। ऐसे में लेज़र टेक्नोलॉजी, जैसा कि डॉक्टर ने बताया, इन लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन की तरह है जो चश्मे और लेंसेज के झंझटों से बचना चाहते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट लेने से पहले किसी अच्छे एक्सपर्ट की सलाह लेना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए और देखते रहिए TV9 डिजिटल।